अमर राजीव और मावा, मावा का ही बेटा है। का ही। और अब सिंदूरा इस कहानी को दोबारा लिखेगी। सम्राट, आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आओ देवा, कम। घबराइए मत, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। सिर्फ शंकर की कृपा से तारों में बिजली नहीं थी। भगवान का शुक्र है आप दोनों बच गए। अरे आपका घाव तो खुल गया है और खून भी निकल रहा है। घबराइए मत, ठीक हो जाएगा। दीवा, आह, बहुत दर्द हो रहा है पीठ में, बैड बैक है क्या? मुझे जरा कमरे तक छोड़ दो ना प्लीज। बैक है क्या? अब ये हो गया। देखिए, हमने हमेशा ही आपके आंखों में एक उदासी देखी है, एक बहुत अजीब सी उदासी। कुछ समझ नहीं आता कि आप काहे उदास हैं। बताइए ना, बात क्या है? हम आपके भाई हैं ना, आपकी सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे, वादा करते हैं आपसे। वो अरे बताइए ना कमला जी, बात क्या है? तुम्हारी चोट खुल गई थी ना, मैं बैंडेज कर दूं। अब कामना जी ने पट्टी बांध दी है, और वैसे भी आप तो बहुत व्यस्त होंगी, और कल हमने सुना कि आपको काफी खरीदारी भी करनी है, और इसके बीच में आपको सम्राट जी के साथ समय बिताना होगा। तो हमने सोचा कि हम कबाब में हड्डी क्यों बने? सही कहा ना हमने? और वैसे भी लोग कहते हैं कि विवाह के बंधन में बंधने वालों को अलग ही छोड़ देना चाहिए, खुश रहते हैं। हम आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आते हैं जी। मैं भी चलती हूँ। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कहो, ये कहना चाहते हैं कि हम
मुझसे कुछ कहना चाहते थे। क्या बात थी वो? सब काम ना है। हाँ? बस यही कहना चाहते थे आपको। शुभकामनाएं देने का अवसर नहीं मिला। आप खुश रहेंगी तो हम खुश रहेंगे। सिर्फ हम नहीं, हमारा पूरा परिवार, घर वाले आपको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। खुश रहिएगा। आपको सम्राट जी के साथ समय बिताना होगा। तो हमने सोचा कि हम कबाब में हड्डी के बने। मैं सम्राट से प्यार नहीं करती हूँ तो फिर क्यों शादी कर रही हूँ मैं उससे? क्यों? मेरे मन में हर पल सिर्फ अमर का ख्याल रहता है। शादी सम्राट से करने वाली हूँ कुछ दिनों में, पर ये शादी कर क्यों रही हूँ? दो जिंदगियां बर्बाद कर रही हूँ मैं, अपनी और सम्राट की। पर आप भी तो जानते हैं शंभुनाथ जी, कितने बार मैंने बोलने की कोशिश की पर सम्राट मुझसे प्यार करता है। उसका पूरा परिवार इंतजार कर रहा है शादी का। शादी के सारे इंतजाम हो चुके हैं, फिर ऐसे समय पे शादी से पीछे हटना गलत नहीं होगा। फिर बेटी अपने प्यार को अपने से दूर नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि क्या पता, वो कितने जन्मों से आपके साथ, ऊपर वाले ने हर इंसान के लिए हर एक इंसान और अगर आपको वो इंसान मिल जाए तो उसे खोना अच्छी बात नहीं, की शादी तो बिंदिया से हो गई है, वो मेरा नहीं हो सकता। पर मैं सम्राट की हो सकती हूँ, उससे प्यार कर सकती हूँ? कभी भी नहीं। तो फिर ये धोखाधड़ी क्यों करूं? मुझे बताना होगा सम्राट को कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती हूं। पूरी जिंदगी उसकी बनकर नहीं रह सकती मैं। मुझे शक्ति दीजिए। सम्राट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये मंगनी मैं तोड़ना चाहती हूँ। तुमसे मैं शादी नहीं कर सकती।
सम्राट, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा ये सुन के। आई कैन नॉट हेल्प इट। मैं हाँ मिस्टर गुप्ता, नहीं कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त मेरे हाथ में ही है, प्रॉब्लम क्या है? सर कौन से क्लॉज की बात कर रहे हैं आप? या क्लॉज नंबर 3 मैंने पढ़ा ना। डोंट गेट एक्साइटेड, जस्ट अ मोमेंट, कैन यू गिव मी अ मोमेंट, एक मिनट रुकेंगे आप प्लीज प्लीज? हमने कुछ कहा नहीं। यू नो आई एम बिजी विद समथिंग, कुछ बहुत जरूरी है जो मुझे आज ही पूरा करना है, ऑफिस का काम है। हम बाद में बात कर सकते हैं प्लीज? जस्ट अ मोमेंट। थैंक्स अटन स्वीटा, थैंक यू वेरी मच। यस मिस गुप्ता, बोलिए। क्लॉज नंबर 3, ऑल राइट, वो मैंने मार्क किया है सर, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम, बीजी बीजी, ओके ठीक है। क्लॉज 4 का भी मैंने काउंटर फाइल देख लिया, ओके। मुझसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों? अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि इसने अपना इरादा बदल दिया? God damn it! अगर इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास नहीं है तो इस दुनिया में तुमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। पहले तुम्हारे और दिव्या के बीच में सब कुछ ठीक था, फिर अचानक वो बदल गई और तुमसे दूर हो गई। ये कब हुआ? मैं बताती हूँ, जब वो बनारस से लौटी, राइट? उसके बाद तुम्हारी और दिव्या की शादी तय हो जाती है। उसके बाद फिर से उसका मन बदल जाता है और वो तुमसे शादी करने से इनकार कर देती है। अब ये कब हुआ? जब से वो कमार बनारस इस घर में आया ना। राइट, अब बात समझ में आई। God damn it! मैंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, उसे शादी के लिए मैंने रोक लिया है। God! अपने आप को इतना ज्यादा कोसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम उसे नहीं रोकते तो दिव्या उसे डेफिनेटली रोक लेती। खैर जो होना था वो तो हो गया। अब दिव्या ने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया है और अब वो आजाद है। वो जब चाहे अमर के साथ इस घर से जा सकती है। पर ये कैसे पॉसिबल है बड़ी माँ? अमर शादीशुदा है और दिव्या इस बात को अच्छी तरह से जानती है। नहीं बेटा, वो शादीशुदा नहीं है। तुम्हारी बड़ी माँ हूँ, मैंने पता करवाया, उसे शादी नहीं की। इनफैक्ट वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ दिव्या के लिए आया है। और दिव्या को इसके बारे में पता है? अब तक तो नहीं, शायद अमर कोई अच्छे मौके की तलाश में है उसे ये बात बताने के लिए। तुम्हारी शादी से पहले अगर ये बात दिव्या को पता चल जाती है तो वो एक पल भी इस घर में नहीं रुकेगी। नहीं बड़ी माँ, इसकी नौबत ही नहीं आएगी। उससे पहले ही मैं इस हरामजादे को ठिकाने लगा दूंगा। I'm gonna shoot him in his bloody head. और अपने आप को जेल भेज देना। कभी कभी दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया करो। और भी कई रास्ते हैं इस कांटे को अपनी जिंदगी से बाहर निकालने के। जैसे जैसे कामना, वो कब काम आएगी? तुम उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो ना? ये अमर भी हड्डी बनकर गले में अटका हुआ है। कोई ऐसी चाल चलो जिससे तुम्हारे दोनों दुश्मन खत्म हो जाए, ना अमर बचे और ना कामना।
तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं? बोल जाए बिल्कुल बड़ी मां बिल्कुल वंस अगेन थैंक यू सो मच सो मच कुछ मदद करूं? नहीं हम खुद ही कर लेंगे कहीं जा रहे हो आपका ब्याह होने वाला है ये घर आपका बनने वाला है हमारा नहीं हमें वापस जाना है अपने घर समा कीजिएगा आपके ब्याह तक रुक नहीं पाएंगे बहुत काम है माँ बाबूजी कह रहे हैं वापस आ जाओ बहुत दिन हो गए और चिंटू को तो जानती हैं आप हमारे बिना अकेला महसूस कर रहा होगा और बिंदिया वो भी तो माँ के कंगन है उन्होंने कहा था कि वो इन कंगनों को अपनी होने वाली बहू को पहनाना चाहती है तो ये कंगन तो बिंदिया के पास होने चाहिए थे हाँ पता नहीं कैसे हमारे पास आ गए शायद गलती से हमने रख लिए होंगे आज के बाद कभी फिर जिंदगी में आपसे अकेले मिलने का अवसर मिले या ना मिले हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप जहां रहें जैसे रहें खुश रहें शंकर जी से प्रार्थना करेंगे कि वो आपकी हर मनोकामना पूरी करें चाहते हैं कि आपको दुनिया की सारी खुशी मिले हमें यकीन है कि सम्राट आपको सब सुख सुविधाएं देंगे जो हम हमारा मतलब है कि जो सब आपको चाहिए वो सब कुछ आपको शादी बहुत बहुत मुबारक हो सम्राट से शादी दिव्या दीदी महुआ माँ आपको बुला रही है मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक उसे खत्म ना कर दूं जरूरी है सम्राट और दिव्या की शादी और जब तक ये शादी नहीं हो जाती
दिव्या को ये पता नहीं चलना चाहिए कि अमर और बिंदिया की शादी नहीं हुई है, और अमर को ये पता नहीं चलना चाहिए कि दिव्या सम्राट से शादी करने से इनकार कर रही है, और ये दोनों काम पूरा करने का एक तरीका है मेरे पास। अमर को किसी ऐसे इल्जाम में फंसा दिया जाए जिससे दिव्या का विश्वास अमर पर से उठ जाए। अब दिव्या चाहे जितने भी आंसू बहा ले, जब अमर पर शक की उंगलियां उठने लगेंगी तो वो चाहकर भी सम्राट से शादी करने के लिए इनकार नहीं कर पाएगी। फिर सागर और विद्या का मिलन जो नक्षत्रों ने तय किया था ऐसे ही गुजर जाएगा, क्योंकि तब तक तो दिव्या सम्राट की हो चुकी होगी ना। सिंदूरा को ना कोई हरा पाया है, ना कभी कोई हरा पाएगा।